वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह कुकू गाइस सफाई पे सफाई पे रही। आज मैम ने कसम खा ली है कि सारा घर साफ कर दूंगी मैं। आज एक्चुअली है वीकेंड एंड वीकेंड पे हम करते हैं सफाई, क्योंकि वीकडेज पे हम होते हैं सुपर बिजी। यस, सो ये कपड़े मैंने यहाँ ला के रख दिए, इसका क्या होगा कुकू? कुकू फोल्डिंग करेगा इसकी। जब से दोस्तों इन स्वीट लॉन्ड्री आई है कुकू लगी रहती है। दोस्तों जब कुकू का साइको बचता है तो कुकू हर एक चीज साफ करती है। खाने में हम क्या खाएंगे आपको पता ही है, अंडे और एवोकाडो। नहीं, आज वो नहीं खा रहे चेंज के लिए, क्योंकि अंडे खत्म हो चुके हैं। आज हम खाएंगे चिया पुडिंग विद बनाना, उस पर डालेंगे आधा चम्मच प्रोटीन का। मेरे में भी डाल दियो, आधा भट भी खाती है। एक तो ये और इसकी आलिया भट्ट। आपको ना एक फनी बात बताता हूँ, तो हम खाते थे चॉकलेट फ्लेवर का प्रोटीन पाउडर। इससे पता नहीं कहाँ ऑनलाइन पढ़ लिया कि आलिया भट्ट भी प्रोटीन खाती है, ठीक है, मेरे पास आई, ठीक है। तो जिम पीपल उनको पता होगा आइसोलेट प्रोटीन होता है, अच्छे फॉर्म का प्रोटीन होता है। तो कहती है मेरे को आइसो वाला प्रोटीन खाना है, तो मैं कहा हम खाते हैं। कहती नहीं मुझे आलिया भट्ट वाला खाना है। मैं किरत कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे सेम ही होते हैं। कहती नहीं हमारा ब्राउन कलर का, आलिया भट्ट का व्हाइट कलर का होता है। मैं किरत वो फ्लेवर का फर्क है, वो वैनिला खा रही है, हम चॉकलेट खा रहे हैं, उसके बाद हम जाके वैनिला फ्लेवर लेके आए हैं, सो दैट आलिया भट्ट वाला खा सके। दो बोल हो गए, एक मेरा एक कुकू का। चिया पुडिंग्स गाइस भिगो के रखी थी हमने सोया मिल्क के साथ। सो टोटल हम 7 ग्राम्स चिया पुडिंग रख लेते हैं, उसको थोड़ा सा सोया मिल्क में भिगो लेते हैं। ओवरनाइट भिगो लो, 4-5 घंटे के लिए भिगो लो, वो भी बहुत है। साथ साथ गर्म पानी से रिंस कर दो बर्तन। थोड़े बहुत वॉलनट्स, 10 बादाम, ये हो गया। थोड़ा सा इसको हिला देंगे। कभी कभी हमारे पास एप्पल नहीं होता, जैसे आज नहीं है, तो हम बनाना डाल देते हैं स्कूप प्रोटीन पाउडर का। Yummy-licious raisins भी डाले हैं, and ये raisins किसने दिए थे हमें? ये raisins हमारे subscribers ने gift किए थे, thank you so much। जन्नत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बना। Super yummy। बढ़िया लगा? दोस्तों मैं ना के गुड बेबी बन गया, और ये गंदी लड़की नहीं करने लगा हूँ दोस्तों के साथ साथ वॉशरूम भी क्लीन करना है मेरे को। आज इसको भूत चढ़ेगा इस की सारी सफाई ये करेगी। मेरे छोटे छोटे काम होते हैं आजकल। बट आई कीप हिम अराउंड। चलो डिशवॉशर खाली करे भाई। तो नहा धो के तैयार होके घर से निकल गई है कुकू। चश्मा ऊपर उठाओ, अपनी सुंदर आंखें दिखाओ थोड़ी सी। सो गाइस पता नहीं चल रहा कि इसे कैफे जाके काम करें, लाइब्रेरी जाके काम करें, या फिर कहीं खाना खाने जाए, तो तू बता, या बीच भी जाए। हम सुपर कंफ्यूज चल रहे हैं, बट आज हमने कहीं ना कहीं घर से बाहर ही निकलना, ये तो गारंटी थी। बिकॉज़ इतना सुंदर दिन है, बाहर धूप निकली हुई है। यस, अब तू बता कि क्या करना चाहती है। खा लेते हैं पहले कुछ। क्या खाना चाहती है ये बता। चलो आप भी कॉमेंट करके बताना, जब आप हेल्दी खाना चाहते हो बट आप चीट मील करते हो तो क्या करते हो आप? देखो हमारे पास है हेल्दी ऑप्शंस में फ्रेशी, चिपोटले एंड सब्वे, ये तीन ही है हमारे। सुशी भी हम हेल्दी में खा लेते हैं, सुशी भी हम हेल्दी में। चावल खाना होता है और एवोकाडो हो गए और थोड़ा सा स्वीट पोटैटो हो गया। थ्रू दैट। सो जब तक कुकू मुंह पे पेंटिंग कर रही है गाइस, हम पहुंच गए हैं। पेंटिंग तो पहली बात ये लिटिल लिटिल है, हल्का सा इसके हाथ में ब्रश आया था ना गाइस, MF हुसैन समझती है अपने आपको। By the way, गाड़ी हमारी है 95% पे चार्ज, और इससे मुझे एक बात याद आई, जो मुझे इतने सारे मैसेज आते हैं कि यार आप अपनी टेस्ला को 100% चार्ज नहीं कर सकते, आप अपनी टेस्ला को 100% चार्ज नहीं कर सकते, आपकी बैटरी खराब हो जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना। गाइस मैं हमारी टेस्ला को 100% चार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो टेस्ला है वो LFP बैटरी वाली है। सो देर आर टू काइंड ऑफ बैटरीज इन अ टेस्ला। सो जो दूसरी वाली बैटरी है उसको आप 100% चार्ज नहीं कर सकते, वो बैटरी खराब, मतलब वो बैटरी डिग्रेड जल्दी हो जाएगी, वरना अदरवाइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। LFP बैटरीज को आप 100% चार्ज कर सकते हो, इवन अकॉर्डिंग टू टेस्ला। सो डोंट वरी, जितने मुझे मैसेजेस आ रहे हैं टेंशन ना लो। एक और मस्त बात मैं आपको बताता हूँ, जो सामने व्हाइट कलर की गाड़ी है उसमें एक आंटी बैठी हुई है, वो जितना मर्जी टाइम चाहे उतना ले सकती है। मैं उनको हॉर्न हूं दबा के नहीं बोल सकता भाई, निकलना है तो बाहर निकल के ये सब करो। और मुझे कनाडा की ये वाली बात बहुत ज्यादा पसंद है, आपको लिटरली एक तो पेशेंस सिखाता है, दूसरी है सामने वाले की रिस्पेक्ट है कि भाई तुम उसको तंग मत करो, मैंने अपनी गाड़ी खड़ा ली है, इंडिकेटर देके मैं वेट कर रहा हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। जब उस आंटी का दिल करेगा वो तभी जा सकती है, आई कैन नॉट फोर्स हर।
एंड मतलब ये, और आपके साथ भी जब कोई करता है ना तो आपको इस चीज की और वैल्यू और रिस्पेक्ट समझ में आती है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। जितने भी न्यू कमर्स आते हैं उन सबको मतलब कि रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब चीजें अडेप्ट करना सीखिए, एंड बिकॉज दिस इज द कल्चर इन कनाडा एंड आपको बहुत अच्छा फील होएगा। वो तो है ही नहीं इसमें। नीचे नीचे कहाँ? ओ गाइस, बीच का सामान हमने यहाँ रखा हुआ है, क्या बात है। ये हमारा टेंट है, ये हमारी बीच मैट है, ये स्नो शवल है, चेयर भी पड़ी हुई है। चल कल ही गाड़ी में साफ करके आया हूँ गाइस, और ये हाल हो गया। मैं सिर्फ इतनी बात आपको कहना चाहता हूँ कि डू नॉट क्रिप सब्सक्राइब। तो हमने अपने क्रॉक्स पे जिबिट्स लगाए गाइस, ये जिबिट्स बहुत ही प्यारे लगे, हम लोगों ने ऑनलाइन लिए क्योंकि रिटेल शॉप पे बहुत महंगे मिलते हैं। इनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सुपर ऑसम है। खुद इस लड़की ने सनस्क्रीन लगा ली और मेरे को नहीं लगवाई। सेल्फिश इन्फ्लुएंसर्स बी लाइक मेरे पॉकेट में। ये होती है बीवियां गाइस, ये ऐसे चलते इसका मतलब ये है कि टेंशन फ्री होके बंदा चलता है और उसको पता है अपना मेरा पार्टनर ये सब संभाले लेगा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की है। एंड गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुको। सो जैसे वो क्रॉक्स है, सिंपल बोरिंग क्रॉक्स गाइस, हम सब्सक्राइब ही बना पाए, ई की जगह नहीं रही क्योंकि सारे ई तो मैडम ने ले लिए थे, सारे ई मैंने ले लिए। एक तो कभी भी चिपोटले आ जाओ, इतनी लंबी लाइन अप होती है ना। बस एक और बात बताऊं, सिर्फ क्रॉक से मैचिंग करने के लिए इसे ब्लू डेनिम जैकेट पहनी है। तो जब फैंसो को इतनी दूर से मेन्यू नहीं ना दिखता होता तो पता है क्या करता है? तो इतनी दूर से तेरे को दिख रहा है? मेरे को तो सब दिख रहा है, तेरे को सारा पड़ा रहा है। चिकन, बारबेक्यू, स्टेक, तो देखो वेजी। मैं ऐसे फोटो ले लेता हूँ फिर मैं ऐसे देखता हूँ कि मुझे क्या पता तो है ही वैसे चिपोटले में कैसा है, पर फिर भी कुछ होता है एड ऑन्स कुछ होता है क्यूरियोसिटी। गाइस आई जस्ट स्पॉटेड वन मोर बोरिंग क्रॉक्स। हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर वहाँ पे सामने एक काम भी कर रही है, अभी हम उससे भी मिलेंगे। गाइस देखो अभी भी मेहनत से, फुल मेहनत से लगी है जिसको आज खुश कितनी है कीरत, बाहर निकल गए। बाहर निकल के भी काम ही करना है आज, लाइब्रेरी जाने वाले। हमने ना एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हम बाहर निकलना शुरू करेंगे, अदरवाइज ये तो बाहर निकलती थी और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने देखा कि गाइस कुकू का ना एक लेवल आया था जब ऐसे फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि इसको आदत है हमेशा बाहर जाके काम करने की। यार मैं तो घर पे भी, अगर आपको याद होगा बेसमेंट में रहते थे, मैं कभी अपना ऑफिस का सेटअप ड्राइंग रूम में कर लेती थी कभी फियांचू के रूम में कर लेती थी। People are buying from Old Navy quite a bit. बाबू एक बंदे को तूने थैला उठाते हुए देखा, चुप रह तू। हाँ ऑन है, टेम्परेचर कंट्रोल कर रही है। ओह गाइस जैसे ही ज्यादा गर्मी होती है अपने आप, मतलब आई लव टेस्ला। चुप 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 चुप। वाह गर्मी नहीं है गाजी हमारी। गाइस मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर आप एक नई गाड़ी का लेने का सोच रहे हो और अगर आपका बजट है, देखो बजट सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपका बजट है, मैं सच बता रहा हूँ, ऑल मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ये वो फलाना ढिमकाना सारी एक तरफ है, टेस्ला अलग ही चल रही है। छोटी छोटी चीजों के लिए उतर के यार गाड़ी में बैठे लग्जरी का मैंने अचार डालना है, अगर गाड़ी में बैठे गाड़ी तपरी होगी मुझे नहीं पता। या फिर अंदर से तुम कर सकते हो बट यू हैव टू सेट इट अप राइट। एंड मैं एक और बार बताता हूँ, अगर तो ऑटोमेटिक हो जाती है, अगर मैं जेन्युइनली टेस्ला को कंपेयर करूँ उसके प्राइसेस से, जैसे फॉर एग्जांपल मर्सिडीज की जो ईवी है वो $1.5 लाख की है, मतलब 130 की है शायद, उस वे में टेस्ला काफी रीजनेबल पड़ती है। मतलब मॉडल 3, मॉडल एस तो और एक्स तो 1.5 लाख की है, बट ये फिर काफी रीजनेबल पड़ती है। इतनी रीजनेबल होने के बावजूद इतना कुछ फीचर्स प्रोवाइड करी। मैंने इलेंट्रा भी टू बी ऑनेस्ट इसलिए ली थी क्योंकि उस प्राइस रेंज में इलेंट्रा वाज ऑफरिंग सो मेनी थिंग्स जो करोला, होंडा सिटी वगैरह नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी मेरे को उस टाइम पे। सो यही सेम चीज हमने टेस्ला में भी देखी कि इस प्राइस रेंज में बाकी गाड़ियां बाकी मतलब के क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इट वाज एक्चुअली नथिंग जेन्युइनली। मतलब एक ये बोलता था कि गाड़ी सुख दे रही है बट इतनी सस्ती हो के उन बाकी गाड़ी से कंपेयर कर रही है, ठीक है। 1.5 लाख तक टेस्ला वैसे सस्ती नहीं है बट अगर हम बात करें पूरी हाई एंड ईवीज की, जैसे हम बात कर रहे हैं मर्सिडीज की या कोई और हो गया, तो उनके टक्कर में आ रही है। मॉडर्न फैमिली प्लीज लगा दो। हम जेन्युइनली चिपोटले से पैक करा के गाड़ी में देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये ना पर्सनल चॉइस है, मैं इस पे ना ज्यादा ज्ञान दे नहीं सकता, हो सकता है किसी को लगे यार ये क्या मतलब है, बट ये ना जेन्युइनली चॉइस है कि हम दोनों को ना टीवी देखना, मॉडर्न फैमिली देखना, खाना खाते हुए बहुत पसंद है
और आप लोगों ने जिससे हमारा लव स्टोरी वाला व्लॉग देखोगे उसको पता होगा कि हमारी जो लड़ाई होती थी जब ये मेरे को खाना खाते हुए टीवी देखने नहीं देती थी, मुझे बातें करनी होती थी। अब मैंने कहा ये चेंज मैं कर नहीं सकती, खुद को चेंज करना पड़ेगा। हम मॉल में बाहर आके आराम से एसी फुल करके मॉडर्न फैमिली देख रहे हैं खाना खाते हुए, इससे बेटर दिन नहीं हो सकता। एंड वी आर नॉट वेस्टिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट चार्जिंग। दोस्तों खाना खुना खा लिया है, नाउ वी आर लीविंग फॉर वैंकूवर लाइब्रेरी। और गाइस मेरे ख्याल से 2-3 घंटे अपना काम करेंगे वहाँ पे, अगर एनर्जी हुई तो किचलानू बीच बैठने का बड़ा दिल है, हमने प्रॉमिस किया और इसलिए आज हम क्रॉक्स भी पहन के आए थे। Correct. अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं आप कहोगे फैंसी की इज्जत ने बताया नहीं, अगर आप टेस्ला ले रहे हो तो एक चीज का बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा ये है कि ऊपर ग्लास रूफ है, तो कभी कभी जब धूप पड़ रही होती है तो काफी गर्म हो जाता है, और अभी जैसे धूप पड़ रही है तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा हीट फील होती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, एसी तेज कर लो तो थोड़ा कम होने लग जाएगा, बट अगर नॉर्मल गाड़ी से कंपेयर करो ये चीज एलेंट्रा में कभी फील नहीं हुई। सो ये चीज आपको फीडबैक देनी थी, यहीं पे भी कर देंगे देखेंगे, तो वहां पे कोई ईवी ढूंढियो तब तक जाके 10-15% कम हो जाएगी। कूल यो गाइस, आजकल क्या जब से टेस्ला लिया है ना हमारा ना पार्किंग का पे करने का विश्वास उड़ गया है, हम कहीं पे भी जाते हैं ना इलेक्ट्रिक चार्जर ढूंढते हैं और वहां करते हैं, क्योंकि नॉर्मल पार्किंग होती है $2-3 की। ईवी पे आप गाड़ी चार्ज भी करते हो और वहाँ की पार्किंग नहीं देनी पड़ती और टोटल खर्चा आता है $1 पर घंटे का। रश है यार आज गिलफर्ड में, पूरा ऐसे लोग आए हुए हैं, मैं कह रही हूँ आज तो कुछ चलाने में भी गा पड़ रहा है। It's very difficult, guys. I still, मैं अभी भी dilemma में होती हूँ, कभी कभी मेरा दिल करता है मैं खा लूँ ये केक, फिर होता है, फिर जब मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ और मेरे कपड़े पुराने वाले फिट होने लग गए हैं, फिर ऐसा लगता है नहीं 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 कुका, नो चीनी नो चीनी। एंड फिशी रॉन्ग लाइब्रेरी में लेकर आया, रॉन्ग। कोई अगर प्यारा सब्सक्राइबर या सोच कोई नन्ना व्यूअर पहली बार देख रहा हूँ हेडफोन लगाए तो इतनी जोर की चीख है, वो कह रहे चैनल बंद करो इनका, माफी मांग उस व्यूअर से। ये मेरी ऐसे अपने आप ऐसे क्यों हो रही है, अब तो ये ट्रेंड भी चला गया। सॉरी नन्ने सब्सक्राइबर, बट फिशी रॉन्ग लाइब्रेरी देकर आया है, और अब हम वैंकूवर के अंदर अंदर से जा रहे हैं, ना कि हाईवे से, एंड इट्स टेकिंग अस अनदर 26 मिनट्स। मैं देखो कोई गलत नहीं किया, मैं तो इसको बोला था वैंकूवर लाइब्रेरी, ये बहन कहीं और लेगी। ये बहन कौन? टेसू, या इट वाज टेसू। पहुंच गए हैं डाउनटाउन, अब पार्किंग ढूंढने में आएगी जान निकलेगी। सबको बताओ एक घंटे की पार्किंग कितने की है? $5। कीरत का तो आधा मूड यही ऑफ हो गया। दोस्तों सस्ती पार्किंग ढूंढ गया दोस्तों, ये मिशन है मेरा, मेरे को पता होना चाहिए, मुझे इतना पता है रॉबसन पे सस्ती होती है बट इस पे तो बहुत महंगी है। ये क्या था? शीशन जी तेरे को बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? कितने क्यूट लग रहा है ऐसे स्कूल बॉय। इसका भी लैपटॉप उठाया है मैंने, जैसे ये हमारे क्रॉक्स काफी सिंपल लुकिंग थे, हमने कर दिए मॉडिफाई। भाई साहब होमर एंड वेस्ट जॉर्जिया पे सस्ती है पार्किंग, गेस करो कितने की है? $1 फॉर 1 आवर, और हम पीछे वाली स्ट्रीट पे, जस्ट एक स्ट्रीट पीछे, वी पेड $5 फॉर 1 आवर। मेरे दिमाग में सडनली आया कि हो सकता है बिकॉज ऑफ लाइब्रेरी यहाँ पे सस्ता हो, आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक एंड आई वॉज राइट। लाइब्रेरी के बाहर कौन सा ये बार बनाया हुआ है? ये देखो बार बनाया हुआ है। गाइस ये सरी की एक लोकल बेकर है, एंड उसके अब ये जार्स बहुत फेमस हुए थे एंड अब अवेलेबल है प्लेन्स कॉफी में भी। कुछ पूछना है मुझे इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे। सो गाइस हमने ये मीटिंग रूम है बुक करा लिया अपने लिए, एंड वी कैन यूज़ द इंटायर प्लेस फॉर आर सेल्फ। मैं जनरली इसको सोच रहा हूँ कि मैं उसको बोलूँ कि कीरत हर रोज़ यहाँ पे आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं एंड मस्त काम करते हैं, सिर्फ काम करने के लिए आना है। इज दिस आवर न्यू ऑफिस? मतलब के चेक आउट द सिचुएशन राइट नाउ, क्या मस्त स्पॉट है।
जब मैं नया नया आया था ना कनाडा, तो मैं वैंकूवर लाइब्रेरी काफ़ी आने लग गया था स्टार्टिंग में। तब हम रेगुलर व्लॉग्स नहीं बनाते थे, बट मुझे भी याद आ रहा है कि मैं ज़्यादा क्यों नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे टेबल चेयर एक स्टैंडर्ड साइज़ की है, और इसी वजह से इतनी देर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, गर्दन पे दर्द होने लगी है दोबारा से, वो लिटरली सर्वाइकल का ऐसा लग रहा है अटैक पड़ रहा है। लास्ट टाइम कम्यूट का भी कितनी प्रॉब्लम होती थी, तू बस से फिर ट्रेन लेता होता था, दो घंटे तो उसके ऐसे ही निकल जाते थे, फिर कहते ना अरे चार घंटे मैं ऐसे वेस्ट क्यों कर रहा हूँ अपने तीन घंटे, इससे अच्छा घर पे बैठ के काम कर लेता हूँ। जब ऑफिस भी लिया था तो यही प्रॉब्लम थी, वहाँ पे तो फिर भी सेटअप अच्छा था तेरा। यार ऑफिस ना इसलिए नहीं लेने का दिल करता दोबारा से, क्योंकि सारा काम लैपटॉप पे होने लग गया, और अगर ऑफिस जाके भी लैपटॉप पे काम करना है, कम्यूटिंग का जो मेन है ना यहाँ पे, यार देखो टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू है। अगर आप ऑफिस जाओगे ना तैयार होना और आना जाना करना ना ना करते हुए भी 2 से 2.5 घंटे लग गए आपके, अगर वैंकूवर में आप सोचते हो, वो इतना प्रेशियस टाइम है कि 1.5 घंटा मैं अपनी लाइफ से देना नहीं चाहता। दोस्तों अब जाने का टाइम आ गया है, 6 बजे आज वीकेंड पे लाइब्रेरी क्लोज रहती है, तो हम निकलेंगे यहाँ से। चले कुकू बीच पे नहीं काम करना, अगर जा रहे हैं इंजॉय करने तो इंजॉय करने जा रहे हैं, अदरवाइज काम करने जा रहे हैं। हाँ, तो ये नहीं हो रहा कि बीच पे काम करने, वरना मिट्टी लेके आएंगे लैपटॉप पे, वो नहीं हो रहा। एंड बाय द वे गाइस, इस बैग का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने नया बैग खरीदा है, ये सारा मेरा टेक बैग है, तो इसमें आईपैड आ गया, तारे तुरे आ गई, सब कुछ ऑफिस के काम के लिए। तो कीरत का लैपटॉप यहाँ जगह डालो, नहीं ऊपर, हाँ यहीं डालो, हाँ यहीं, हाँ कर दे बंद इसको, और मेरा लैपटॉप यहाँ आएगा पीछे, फुल फोमिंग है, और इसमें ना इसका कवर भी है वाटरप्रूफ। बाय बाय ऑफिस, मतलब ना बाहर आके मजा आ गया, करा हमने काम ही है। जस्ट चेक इट आउट गाइस, काम कुम करके हम जा रहे हैं किट्सिलानो बीच। ये वैंकूवर का ग्राउंड तो है ही नहीं यार, यार आज कुछ हो रहा होगा पक्का, ये बाहर से आए हैं लोग, नहीं नहीं आज कुछ इवेंट वगैरह हो रहा होगा। कितने क्यूट डॉगीज है दोस्तों, दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं हमें पार्किंग नहीं मिल रही। दोस्तों एक बार तुम क्राउड चेकआउट करो, वहां से लेके उस साइड तक रश ही रश है भाई, मतलब लिटरली इतने लोग आए हुए हैं, उधर तक सारे लोग हैं, देखो बहुत क्राउड, जगह ही नहीं है, और 15 मिनट हो गए पार्किंग नहीं मिल रही। इट्स इम्पॉसिबल टू गेट पार्किंग हियर टुडे, लेट्स सी लेट्स सी। दोस्तों मैं तो भूल ही गया था, वी हैव एग्जीक्यूटिव पार्किंग, वी जस्ट गॉट एग्जीक्यूटिव पार्किंग बिकॉज हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे एंड चार्ज करेंगे। क्या मस्त पार्किंग मिली है, मजेदार मजेदार यार, मतलब के $1 per hour चार्जिंग है, मतलब फ्री में हमारी गाड़ी चार्ज होएगी एंड पार्किंग का कुछ नहीं पे करेंगे, ये सो हैप्पी। ये देखो सारी टेस्लास चार्ज हो रही हैं, इनफैक्ट पार्किंग से सस्ती पड़ी है, पार्किंग से सस्ती है, पार्किंग महंगी है यहाँ पे। दोस्तों टेस्ला को लगा दिए चार्जिंग पे, फ्री पार्किंग हो गई है, आई एम वेरी श्योर किट्सिलानो की पार्किंग महंगी होती है पक्का। हाँ। चेक करेंगे आजा, पहले ही पानी भर लो दोस्तों, ठंडा चिल्ड पानी। सबको बता दो फिशी, नॉर्मल पार्किंग कितने की है? नॉर्मल पार्किंग गाइस 1 घंटे की $4.50 की है, हम $1 में पार्किंग करके आए जिसमें मेरी चार्जिंग हो गई है। चलो देखे कहाँ बैठे हम, हर बंदे को अपनी सोच के हिसाब से दिखता है, मेरे को लगा बंदा हुक्के बना रहा, चिल्लम रखी हुई है कलरफुल। आज तेरी छुट्टी है, पीछे देख, सामने भी देख। फन कर रहे हैं हम आज पूरा, फन नहीं हो रहा, बीच पे वॉक हो रही जो कब से ड्यू थी। यस इट्स गुड, नाइस एंड रिलैक्सिंग, फील लाइक आई एम एट अ वेकेशन। यस बस थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ सूरज देवता को थोड़ा नीचे हो जाओ, बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, और अभी हो रहे हैं 6:30 बाय द वे। सात गाइस आई एम मिसिंग माय टेंट, वैसे तो टेंट भी गाड़ी में ही पड़ा हुआ है, बट क्या था सेटअप में टाइम लगा देंगे, और मैं अपने एम्प्लॉय को ये भी बताना चाहता हूँ कि घर जाके काम भी करना है तो ज्यादा छुट्टी नहीं कहा, वो मैं कह रही तेरी थोड़ी देर के लिए छुट्टी है।
गॉगल्स इधर से उधर हो गई है। दोस्तों यहाँ पे सारी दुनिया बैठी हुई है, ठीक है, और मैं इसे ऐसे बात करूँ, ये तो ऐसे बैठी हुई थी, अब इसे उठाया अपना घूंघट। रवीरा हमारे सामने कोई बैठा हुआ था, सीगल सीगल ने ना लिटरली पॉटी करी, और ना क्या बोलते हैं उसके बाद एक लड़की बैठी थी, उसने ना उसकी ऐसे टांग पे ऐसे करके देखा, तेरी क्या है। दोस्तों मैं इतनी देर से कीरत से बातें कर रहा हूँ, और कीरत कहाँ है? ऐसे सन से छुप के बैठी हुई नमूनी, किरण ऊपर है यार, मैं बातें कर रहा हूँ तेरे से। बहुत ज्यादा देर है। आपका दिल करे यहाँ पे क्रूज रेंट करने का तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली चेकआउट करो। 5-6 लोगों की छोटी वाली बोट अराउंड $600 तक की आ जाती है, सो इट्स वेरी अफोर्डेबल। अगर 6 लोग मिलके पार्टी करना चाहते हैं $100 पर बंदे का लगेगा। मेरे को बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट बीच ही है। अब यहाँ पे हम करेंगे अपने पैर साफ, क्रॉक्स साफ। तो मेरे को भी याद ही है क्या हुआ। नहीं नहीं वो वाला दूसरा बाबू, ये तो मुझे गीला कर देती है। गैस की ये वाला दबाने वाली थी, मैं गीला हो जाता इससे। गाइस हमें नहीं पता आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, बट बहुत ही सेक्सी बजा रहे हैं। यार उसे गॉगल्स पहनी हुई थी डॉगी ने। सो क्यूट गाइस, बेस्ट चीज गाइस जो बीच की इतनी पास चार्जिंग मिल गई हमको। इतने अच्छे लग रहे हैं ना हमारे क्रॉक्स। अभी एक किसी ने हमें कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह बिल्कुल टाइम पे आए हैं दोस्तों हम, 99% गाड़ी भी चार्ज होगी। अब शर्मा जी देखेंगे कि भाई कितने पैसे लगे, फिर कहेंगे ये तो काफी सस्ता था। प्रॉपर चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कहीं ज्यादा तो नहीं काट लिए फ्लो वालों ने। लॉक हो गया ना, अरे ये तो अभी भी लॉक नहीं हुआ। उप्स, आई थिंक मैंने अच्छे से लगाया नहीं है, अब लगाता हूँ। फिर कुकू को बताऊंगा, कुकू ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना, फिर लॉक करना है, अब दोबारा चेक करना है। नहीं हुआ, ओके अभी आके ज्ञान देंगे। हमारा कन्वर्टर रखेंगे रैपर में, ये देखो, एंड फिर इसको उसकी जगह पे रखेंगे। हाउ क्यूट, बेस्ट गाय एवर। हाँ जी, $1 क्या हुआ? कुछ नहीं, बड़ी स्माइली कर रही है। मैं क्या अभी बैठते सर बताएंगे कितने पैसे लगे, मैं बता चुकी हूँ उनको। $1.70 लगे। ओके दोस्तों, घर जाके खाना बनाने का दिल नहीं है तो बाहर से ही खा रहे हैं। सबवे आज 2 मील हो जाएंगी, बाहर से सारा बजट हिल गया। रेडी गाइस, एंड आज सब्वे में प्याज नहीं थे गाइस, सब्वे विदाउट अनियंस। हाउ हाउ बड़ बड़ा अच्छा लगा आज। आप बताना आपको कैसा लगा व्लॉग देख के, हमारा नया ऑफिस कैसा लगा? सच्ची दिल लगी वहीं जाके बैठा करें। इस शेवरॉन पे है 198.9 $2 की। शेल महंगा है ना? नहीं गैस ओवरऑल महंगी होगी बाबू। नहीं है 198 पीछे थी। अच्छा मैं 199 है। नहीं महंगी होगी, बट आई एम शॉक्ड, मुझे पता लगा जब से टोरंटो में बहुत सस्ती गैस, कह रहे 145 की होती है। टोरंटो में सस्ती है, कैलगरी में और भी सस्ती है। कैलगरी में और सस्ती है? कितनी की? $1? नहीं इतनी भी नहीं, बट 130 होगी। वाह यार। देखो बेसिकली बीसी क्यों इतना ज्यादा महंगा और है, क्योंकि इट्स सराउंडेड बाय वाटर एंड माउंटेन्स, तो यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन की मतलब चीजें जब आती हैं यहाँ तक आते आते, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एड अप हो जाती है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं मामी जी के घर, हमारा एक पैकेज आया हुआ है वो पिक करने। झूठ बोल रही है, एक नहीं आए हुए गाइस, 3 आए हुए, 3-4 पैकेज आए हुए हैं दोस्तों। यप्पी। एंड मैं अपनी फ्रेंड सैमन से भी मिलूंगी, क्योंकि सैमन अब मामी जी के साथ रहती है। यस, सैमन मूव हो गई है। यस दोस्तों, मामी जी के घर से हम निकल लिए हैं, सैमन से भी मिल लिए हैं, लेकिन हम ब्लॉग नहीं बना पाए
क्योंकि ऐसी ऐसी गाइस बातें पता चली हमें। हमें नहीं, मुझे तो पता था, तुझे पता थी सारी बातें, तो तुझे मुझे पता थी ये रिसेंट वाला 1.6 मिलियन वाली जो बात थी वो तेरे को पता थी। ये नहीं बात पता थी। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको टॉपिक बताते हैं। टॉपिक है कि यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके क्या क्या राइट्स होते हैं और पेरेंट्स को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है जब उनके अपने बच्चे होते हैं यहाँ पे। ये देखो जी, और पार्सल आ गए हैं हमारे दोस्तों। ये हमारे नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी हो रही है। यस दोस्तों, वी आर गोइंग समवेयर। ये देखो भाई साहब, क्वालिटी कैसी इसकी? बहू ऐसे तो तगड़ा ही लग रहा है दोस्तों। एक बार अगर रिव्यू कर लूंगा फिर आपको बताऊंगा ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। काफी जुगाड़मेंट है, आई डोंट नो इसको समझेंगे भी कैसे। मेरे तो भाई बस की बिल्कुल नहीं है। ये देखो छोटी छोटी पैकिंग। बेसिकली दिस इज अ चेस्ट माउंट फॉर योर फोन और फॉर योर इंस्टा 360 और फॉर योर GoPro। तो चेस्ट पे लग जाएगा एंड अगर आप कोई एडवेंचर एक्टिविटी करो, एडवेंचर एक्टिविटी से समझ जाओगे कुछ फन होने वाला है। यस, तो उसके काम आएगा। बाय द वे बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, 11 बज चुके हैं, 11:15। फैंसी, इट्स टाइम टू स्लीप बाबू डॉल्स। ओ यार, ये भी काफी सही क्वालिटी का लग रहा है। गाइस, ही हैज गॉन क्रेजी। इसने चेस्ट माउंट के साथ साथ अपना रिस्ट माउंट भी मंगवाया। आपको सरप्राइज देना चाहते थे बट बता देते हैं, हम दोनों खतरों के खिलाड़ी में सिलेक्ट हुए हम हैं नेक्स्ट रोडी। जब बाहर खाओ ना और किचन साफ मिले, मजा ही है यार, मजा ही। खाली सिंक देखो, ओए होए होए। Let me go sleep, please. इसको कल देखें। ये लॉक कैसे होगा? हो जाएगा बाबू। बाबू सुन, हम दोनों को पता है कि तू वहाँ चली जाएगी, कहेगी तूने समझा नहीं। सर समझ ले, मैं लगी सोने, सुबह जल्दी उठना मेरे को। हाँ तूने सुबह जल्दी उठना है। ये लौता बंदा है जो सबसे जल्दी सोने जाएगा और सबसे लेट उठेगी। ऐसे लग रहा पता नहीं कौन से मिशन पे जा रहा है तू। मुझे नहीं पता भाई कौन से खतरों के खिलाड़ी जा रहे हैं। गाइस दिस इज हेड माउंट, यहाँ पे कैमरा लगा के कुकू व्लॉगिंग करेगी। भाई दर्द हो रही है, बहुत टाइट है और मुझे नहीं लगता हम दोनों में से ये कोई भी पहने। बाबू ढीला हो जाए, तेरे भी बाल खराब और मेरे भी बाल ढीला हो जाए। अरे बिल्कुल शक्तिमान लग रही है। वैसे अगर आप वैसे किसी को अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी के लिए इग्नोर करो, पर जिसको समझ में आ गया इन सब प्रोडक्ट्स के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी लोग वेट करो हमारा समझाने का, ठीक है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, आप लाइक बटन पे प्लीज क्लिक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। yes. और आज के ब्लॉग में आपको बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा वो कमेंट करके बताना, ठीक है। प्लीज बता देना हमें, ठीक है, हमें पता लगे आपको क्या सबसे बढ़िया लगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।